नमस्कार दोस्तों, ब्लिश ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि कल मार्केट यानी कि ट्यूसडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, आप हमारा कल का वीडियो जाके देखें, हमने क्या कहा था। मैंने क्लियर कट निफ्टी में कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप होगी और 640 के आसपास खुलेगी, हम लोग इस रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ कहीं पर हम लोग पॉजिटिव, अगर मार्केट इस क्लोजिंग को नहीं तोड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमको ऊपर की तरफ 700 तक का टारगेट देखने को मिलेगा, 720 तक का। लेकिन यहीं पे 700 तक मार्केट आई, यहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, तो एक ट्रेड हम लोग को आज अच्छा मिला है ना, जैसा कि हमने एनालिसिस किया था उसी हिसाब से ट्रेड मिला। और मैंने ये भी कहा था डाउन साइड के लिए कि जब तक मार्केट यहाँ 500 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग डाउन साइड का व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी भी ओवरऑल मार्केट बुलिश है देखोगे तो। ठीक है, एक यहाँ ट्रेंड लाइन आती हुई जाती हुई दिख रही है यहाँ से, इस तरह से है ना। तो मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को कल या ब्रेकडाउन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फिर हमको यहाँ पे अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं मार्केट फ्लैट खुलती है तो क्या कर सकती है। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है ना। फ्लैट खुलने के बाद अगेन जब तक मार्केट है ना, जब तक मार्केट यहाँ पे 720 के लेवल को नहीं तोड़ेगी है ना, 720 बहुत ऊपर है, एक सेकेंड ना, जब तक मार्केट यहाँ पे यह 720 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 720 का लेवल अब इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि आप देखो मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद ये अपने हायर लेवल पे क्लोज नहीं की है। ठीक है, हायर लेवल पे क्लोज नहीं की मतलब यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खोल करके ऊपर जाती है तो जाने देंगे, जब तक 720 नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, दूसरा मान लो मार्केट फ्लैट खोल के नीचे चलना शुरू होती है, उस कंडीशन में 580 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 580 का लेवल टूटेगा तो हमारा टारगेट रहेगा 520 का भी लेवल टूटता है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे, टारगेट हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ 420 तक का हो सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और यही लेवल। ठीक है, अभी अपने को नो डाउट मार्केट थोड़ी पॉजिटिव ज़रूर है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट को आज ही यहाँ पे अपने ऊपर लेवल पे क्लोज करना था अगर 720 के लेवल को तोड़ना होता तो। ठीक है, इन केस अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाती है, मान लो मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट पूरा दिन इस तरह से यहाँ साइडवेज रह के फिर उसके बाद कोई रेंज बनाती है, सपोज करो मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और यहाँ पूरा दिन इस तरह से रेंज बनाती है, फिर उस रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुल गैप अप खुलने के बाद है ना, गैप अप खुलने के बाद अगर मार्केट गैप अप खुलती है और यहाँ कहीं रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है या फिर यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेती है तो हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ का कॉल देख सकते हैं। ठीक है, तो रेडी रहिएगा है ना, ऊपर का लेवल ऊपर के लिए तभी जाएंगे हम लोग जब 720 टूटेगा। ठीक है, 720 का लेवल टूटेगा तो हम लोग 800 तक के लेवल देख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, डाउन साइड का मैंने बताया कि अगर मार्केट 580 के नीचे चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। बाय चांस मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है ना, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट मान लो यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है, एक सेकेंड, अगर मान लो मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं खुलती है और यहाँ से जब तक 520 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, और अगर मार्केट यहीं कहीं खुल के अगर रिवर्स होती है तो जब तक ये क्लोजिंग को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनाएंगे, टारगेट अपना जो ऊपर की तरफ लेवल बने हुए हैं वहीं तक होंगे। ठीक है, तो गाइज निफ्टी में यही लेवल है, इन्हीं लेवल पर आप लोग ट्रेड करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब अगर बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी आज दोनों जो है ना, एक तरह से देखोगे तो एक है ना, आज अगर देखोगे दोनों ही जो है लगभग लगभग अपोजिट डायरेक्शन में खुले। ठीक है, निफ्टी अगर आप देखोगे तो गैप अप खुली, ठीक है, ये देखो निफ्टी अगर देखोगे तो गैप अप खुली, और बैंक निफ्टी देखोगे तो यहाँ गैप डाउन खुली। ठीक है, बैंक निफ्टी देखेंगे तो हमको यहाँ पे गैप डाउन मिला। ठीक है, तो दोनों इन्वर्स होने के कारण मार्केट में आज देखोगे तो वॉलेटिली मिली और डायरेक्शन क्लियर दोनों ही तरफ नहीं रहा। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो बैंक निफ्टी भी नीचे साइड क्लोज किया है और निफ्टी भी अपने डाउन साइड पे ही क्लोज किया है, तो ये एक तरह का नेगेटिव साइन और रिवर्सल का साइन भी हो सकता है। ठीक है गाइज, मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है 100%,
कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट जब तक यहाँ पे 41,100 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक कॉल की पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है? उसके बाद अगर कॉल की पोजीशन बनाना है, 41,100 तोड़ेगी तब हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा सीधे सीधे 300, 300 के बाद सीधे 500 तक का टारगेट हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, अगर मार्केट 41,100 के ऊपर निकलती है तो। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है तो उस कंडीशन में अपना जो पहला सपोर्ट आता है वो इस तरफ है 40,600, ठीक है? अभी आप देखोगे 40,800 जो है इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने कहा था मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन पूरा दिन देखो मार्केट इसी के ऊपर टहलती रही, उसके बाद लास्ट लास्ट में ब्रेक डाउन देने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो क्लोजिंग जो है 800 के नीचे ही हुई है ना? पोस्ट क्लोजिंग भले 834 दिखा रहे लेकिन चार्ट में 800 के नीचे दिखा रहे, तो बहुत हद तक चांस है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि नीचे जाए, ठीक है? तो कैसे ट्रेड करना? फ्लैट क्योंकि जब तक 600 नहीं तोड़ेगी ना तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, है ना? और ऊपर की तरफ 40,100, 41,100, ठीक है? फ्लैट खुलने की कंडीशन में अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं गैप अप खुलती है तो उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 41,100 तोड़ेगा कि नहीं। 41,100 तोड़ेगा तभी हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे इन एनी कंडीशन। अगर मार्केट पे सुबह ही तोड़ देती है तो भी, और अगर मार्केट दिन में इसके क्लोजिंग के ऊपर रही है, ऊपर ही रही और उसके बाद ब्रेकआउट दिया तो फिर हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है? अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे चलना शुरू होती है तो फिर देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे की तक जाती है, ठीक है? लाइव मार्केट सिनेरियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है गाइस? थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि हम उसी तरह की लर्निंग आप तक पहुँचा सकें, ठीक है गाइस? थैंक यू वेरी मच।